नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। लोकतंत्र के पर्व कहे जाने वाला चुनाव वैसे तो देश के सभी प्रदेशों में मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इस पर्व को विशेष रूप से मनाया जाता है। चुनावी पर्व लोकसभा का हो या विधानसभा का, बिहार में चुनावी माहौल का एक अलग ही अंदाज होता है। बिहार में राजनीति का एक अलग ही माहौल होता है, तभी तो लोग डीजीपी जैसे पद को छोड़कर राजनीति में आना चाहते हैं। खैर, प्रदेश स्तर की बातों को छोड़कर हम आपको भागलपुर शहर लिए चलते हैं। भागलपुर के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह राजनीति के अखाड़े में किस्मत आजमाने कूद पड़े हैं। बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। अब यह जीवन जागृति सोसाइटी क्या है? जीवन जागृति सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है जो लोगों को जागरूक और मदद करने का काम करती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अचानक से राजनीति में कहीं ना कहीं पहले से तैयारी थी या फिर अचानक से? मैं छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं और राजनीति को मैंने स्टॉप नहीं किया था, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है राजनीतिक दलों की, उसको देखकर कभी जुड़ने का भी मन नहीं किया और कभी भी मैंने किसी भी राजनीतिक दल के आगे पीछे नहीं किया और न ही किसी का सदस्यता लिया। तो ये सारा अचानक हुआ। सर, तो अचानक प्लूरल्स पार्टी ही क्यों और कोई दूसरी राजनीति पार्टी क्यों? किसी का सोच अभी कुछ है कहाँ, सब तो राजनीति में गोलबंदी करते हैं जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाकर। चुनाव के पहले जनता भी 4.5 साल जो सरकार होती है उसको गाली देते हैं, कोसते हैं और चुनाव आते ही वो जाति में सिमटने लगते हैं। ऐसे में बिहार का भविष्य बदलना बहुत जरूरी है और हम लोगों ने प्लूरल्स पार्टी की जो अध्यक्षा हैं पुष्पम प्रिया चौधरी जी, उन पर नज़र बनाए रखे था और हम लोगों ने देखा कि इनकी जो सोच है यही दिशा बदल सकती है और जब तक ये जाति और धर्म पर लोग वोट करना नहीं छोड़ेंगे तब तक यहाँ विकास की बात नहीं। सर, बिहार की अगर राजनीति को देखा जाए तो जाति से अछूती नहीं है। यहाँ बिहार में ऐसा कहा जाता है कि जाति की राजनीति अधिकतर होती है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको जो है पेशा जो है डॉक्टरी है आपका, और आपने खासकर भागलपुर में एक बढ़िया नाम कमाया है और लोग आपको भागलपुर में जानते हैं, लेकिन अमरपुर बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में राह आपकी कठिन हो सकती है। मैं दो बातों पर गौर करते हुए कर रहा हूँ। पहले तो पुष्पम प्रिया चौधरी का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड है कि वो विदेश से पढ़कर वो वहाँ पर जॉब कर रही थी और उसको छोड़कर यहाँ आई है और एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, पीएचडी की, मास्टर्स की डिग्री हासिल की और वो छोड़कर भारत में वो परिवर्तन, भारत नहीं बिहार में वो परिवर्तन करना चाहती है। उन्होंने एक थीसिस लिखा बिहार में चुनाव और उसके मद्देनज़र उन्होंने पाया कि जो यहाँ जातीय पद्धति है, धार्मिक उन्माद में जो लोग आकर वोट देते हैं, यही सबकी जड़ है और इसी जड़ के वजह से यहाँ पर कोई भी विकास की बात नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है, बस वो जोड़ तोड़ की राजनीति करता है, कभी इस दल से कभी उस दल से, कहीं ना कहीं सत्ता में रहना है। तो मैं पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ जनता को कि जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और पटेल साहब विदेश गए उच्चतर शिक्षा के लिए, आरंभिक शिक्षा उन्होंने यहाँ ली लेकिन फिर वो विदेश गए और विदेश में पढ़ाई करके यदि वहीं बस जाते, यदि वो वहीं बस जाते, भारत लौट कर नहीं आते, अपने ऐसो आराम की जिंदगी जीते, तो क्या भारत को आज़ादी मिलती? आप जरूर इस पर सोचेंगे। और वो भारत आए और आज़ादी की लड़ाई लड़ी और तभी हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक उसी तरह से आज पुष्पम प्रिया यदि ऐसो आराम की जिंदगी वहीं बिताती और उनके मन में बिहार को बदलने की इच्छा नहीं होती तो आज हम जैसे लोग भी अपना क्लिनिक चलाते रहते और इसमें नहीं कूदते। सर, बात जब अमरपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो बातें वहाँ की अधिकतर बातें हो जाए। अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो वहाँ के राजनेता सक्रिय हैं वो जदयू के जो जनार्दन मांझी हैं उनके पुत्र, और महागठबंधन से कांग्रेस के नेता जितेंद्र सिंह और लोजपा के प्रत्याशी मृणाल शेखर,
इन तीनों के बीच आप खुद को कहां पर देखते हैं? ये जनता को देखना है, चुनाव का शुरुआत हुआ है, ये जनता को देखना है कि वो अपने को कहां देखते हैं, वो अपने को कहां देखते हैं इस राजनेताओं के बीच। कुछ लोग दल बदल रहे हैं, कुछ लोग जो है बरसों से शासन है, 60-70 साल से शासन है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं देश को। बगल का चीन, हमारा पड़ोसी प्रदेश, पड़ोसी देश, वो कहां से कहां चला गया। 80% सामान का लेते हैं हम लोग वहां से, और भारत है कि सिर्फ आयात पर ही डिपेंड कर रहा है, निर्यात नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को आज लोग नकार चुका है, और दूसरे जो पार्टी है जो जदयू के वर्तमान है, वो नाम ही उसी तरह से है कि राज करेंगे, और वो राज करने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी जनता उनको देख तक नहीं पाती है। विकास की बात ही छोड़िए, विकास में तीन शब्द है लेकिन एक शब्द को भी वो टच नहीं कर पाए हैं, तीन अक्षर है उसमें, कुछ नहीं किए हैं। जनता त्राहिमाम है, जनता इस धार्मिक और जातीय उन्माद से उब चुकी है, वो अब नए परिवर्तन की डिमांड कर रही है, और वो परिवर्तन के बीच जनता के ऊपर है कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी प्लुरल्स और डॉक्टर अजय सिंह को कितना करती है। लेकिन मैं जो लड़कों का उन्माद जो देख रहा हूँ, महिलाओं का जो उन्माद कर रहा देख रहा हूँ, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। खास करके हमें तब मिलती है जब हमारे कामों को देखते हैं कि मैं डॉक्टर, एक डॉक्टर रहते हुए बीजी डॉक्टर, हर गांव में हमारे 15-20-25 पेशेंट मिल जा रहे हैं, सभी लोग हमको जानते हैं, और वो जब देखते हैं कि डॉक्टर होते हुए हम इतना सामाजिक कार्य कर सकते हैं, तो यदि हमको पावर दिया जाए तो हम कितना काम करेंगे, यह सोच कर ही वो लोग आनंदित हैं। और हम तो बहुत, मैंने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा वहाँ के युवा उत्साहित हैं, और मैं अपने से ज़्यादा उन युवाओं को सैल्यूट करना चाहता हूँ जो हमसे पहले प्लुरल्स पार्टी में जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर पैसे से डॉक्टर हैं तो लोगों की मदद कर ही रहे हैं, और आप एक सोसाइटी चला संस्था चलाते हैं जिनका जिसका नाम जो है जीवन जागृति सोसाइटी है, उस माध्यम से भी लोगों को आप जागरूक और मदद कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आना फिर कहीं ना कहीं इसमें सियासी लोभ, इसको कह सकते हैं? जी, एकदम कह सकते हैं, और ये सियासी लोभ कह सकते हैं, लेकिन जब हमारा काम देखेंगे लोग, जब हमारा जो जुनून देखते हैं उसमें उनको सियासी नज़र नहीं आता है। यदि सियासी यदि हमारे अंदर हो रहा था तो आज हम किसी पार्टी का झोला झो रहे होते, मैं किसी का सदस्यता लिया रहता, कोई न कोई पार्टी से अटैच रहता, लेकिन आज तक मैं अटैच नहीं हूँ, मैं अचानक से कूदा हूँ। और ये सिर्फ 10 से 15 दिन पहले का ये घटना है, मेरा आकाशवाणी में प्रोग्राम था, हमारे बच्चे अगर उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे तब उसी को देंगे, पुष्पम प्रिया को, और आपको जुड़ना है तो यही मौका है कि इस परिवर्तन के बयार में जुड़िए, ना कि ये सड़े गले मरगिल्ले भात, ये लोग मरगिल्ले भात हो चुके हैं, इनको कितना भी हवा पानी धूप सिखाइए ये फर नहीं होंगे, अब इनमें शिथिलता आ गई है, और कोई भी ये चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये परिवर्तन का आगाज है। और स्वतंत्रता के बाद जेपी आंदोलन हुआ, और जेपी आंदोलन के बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ। युवाओं से हमें आग्रह है, महिलाओं से आग्रह है कि उस जेपी आंदोलन के बाद ये दूसरा जेपी आंदोलन इसको बनाकर दिखाएं, और इस परिवर्तन की बयार में आंधी और तूफान के तरह ऐसे नेताओं को जो अकर्मण्यता का किला बना के ढह रहे हैं और सिर्फ अपना सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, उसको उखाड़ कर फेंक दें। डॉक्टर साहब, आप पुष्पम प्रिया चौधरी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आप पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर बेहतर हैं, वो डॉक्टरी बेहतर कर रहे हैं, अब पार्टी में जुड़कर जो है वो अपनी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दिए हैं। जी, जो अपनी इज्जत करेंगे वो बिहार की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे। ये सच है कि हमारा इज्जत दांव पर है, लेकिन मैंने अपना इज्जत नहीं देखा, मैं देख रहा हूं बिहार की इज्जत खतरे में है। आप यहां पर घर में बैठकर आप उनसे बड़े हो सकते हैं, उनसे हमसे वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन बिहार के बाहर कदम रखिए तो आपकी इज्जत कुछ है ही नहीं। तो मैं उस इज्जत के खातिर, बिहार के इज्जत बढ़ाने के खातिर अपनी इज्जत को दांव पे लगाया हूं। बस अब बिहारी के वासियों को देखना है, अमरपुर के वासियों को देखना है कि वो
हमारे इज्जत को कितना संवारते हैं और बिहार की इज्जत को बढ़ाने के लिए कितना जुनून लगाते हैं। डॉक्टर साहब, पार्टी तो खैर नहीं है, प्लूरल्स पार्टी नहीं है, लेकिन आपकी जो पहचान है, आपने जो कमाया है, ये बहुत पुरानी पहचान है। बरसों से आप डॉक्टरी करते रहे हैं और हमारा जो भागलपुर शहर है, ये गाँव से घिरा शहर है, आसपास के गाँव के ही लोग आपके पास आते होंगे या आते हैं, तो कहीं ना कहीं चेहरा तो पुराना है ही, पार्टी बेशक नहीं हो, तो क्या इसका लाभ आपको मिलेगा? मैं, आपने गांव क्या बात किया, तो मैं बता दूं, जो मैंने प्रोफाइल भेजा प्लूरल्स पार्टी को, उन्होंने इंटरव्यू लिया, वहां पर लिया, फिर यहां ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, और उन्होंने मेरा एक स्लोगन देखा, चले गांव की ओर। तो मैं भागलपुर पर जोर दे रहा था, लेकिन कहा कि आपके फिर स्लोगन का क्या होगा, चले गांव की ओर। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसी आज्ञा। और मैंने तब सोचा कि मैं गांव में ही काम करूंगा, शहर में तो तमाम लोग काम कर रहे हैं लेकिन गांव को देखने वाले नहीं हैं, और मैं वहां ऐसा संगठन बनाऊंगा कि भ्रष्टाचारियों को जो है, भ्रष्टाचार करने से, किसी को तंग करने से, कि पहले उनको 100 बार सोचना पड़ेगा, ऐसे युवाओं का समूह बनाऊंगा कि कोई भी आम आदमी को तंग नहीं कर सके, उसको प्रताड़ित नहीं कर सके। मुझे जहाँ तक पहचान की बात है, ये देख कर बहुत आनंद हमें लगा कि हमें सभी लोग जानते हैं, और एक एक गांव में 15-15, 20-20 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिसको मैंने, मैंने शीशे में रख के, वो जो इनक्यूबेटर्स होता है उसमें रख के मैंने बचाया है, लेकिन मैंने नहीं बचाया है, सब प्रभु की कृपा होती है, इज्जत और शोहरत उनके हाथ में है। एक स्लोगन आपने कहा, चले गांव की ओर, अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो सभी जगह विकास जो है, सभी जगह हो, गाँव शहर सभी जगह हो, लेकिन गांव में अधिकतर देखा जाए ऐसे लोग हैं जो किसान वर्ग के अधिकतर लोग रहते हैं, और हमारा देश आज भी, हमारी जो आबादी है देश की, 70% से अधिक आबादी गांव में निवास करती है, तो कहीं ना कहीं गांव में तो खैर ज़रूरत है ही ऐसे लोगों का, जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो ज़्यादातर परेशानियों का सामना करते हैं। तो ये स्लोगन चले गांव की ओर, ये पहले से आपने तय किया था या फिर पार्टी में जुड़ने की? नहीं, मेरा वो, मेरा जो पेपर कटिंग था ना, जो पार्टी अध्यक्ष को मैंने दिखाया, तो उन्होंने इसे कैच किया, वो मेरा, मैंने पहले भी हम लोग काम गांव में कर चुके हैं, चले गांव की ओर के द्वारा, तो वो स्लोगन हमारा पेपर कटिंग उन्होंने देखा और तब कहा कि आप चले गांव की ओर जब स्लोगन दिए हैं तो आपके गांव में ही काम करना पड़ेगा। तो अभी क्षेत्र में डॉक्टर साहब, जब आप जाते हैं प्रचार के लिए, अपने चुनाव के प्रचार के दौरान, तो ऐसे भी लोगों से मुलाकात होती है क्या, जो पहले से आपको जान रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब आ गए, तो उनको आश्चर्य होता है या फिर वो ताज्जुब करते हैं या फिर वो कोई कुछ और समझते हैं? इसी को कहते हैं सबका मिला जुला, उनको ताज्जुब भी होता है, आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है, खुशी भी होती है, कुछ लोगों को दुख भी होता है, जो किसी के पक्के समर्थक हैं उनको थोड़ा डर भी होता है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, अमरपुर की जो समस्या है, इसको कभी दाखल कुंज कहा जाता था, दाखल कुंज कहा जाता था कि कुछ भी आप उसमें फेंक दो वो उपज हो जाता था। आज वहाँ से बालू का खनन इस तरह से हो गया है कि वहाँ की मिट्टी जो है वो नीचे चली गई है, और नदियों में पानी बह जाता है, सारा बाहर चला जाता है गंगा में, और खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। तो आज दाखल कुंज खत्म हो गया है, उस पुरानी विरासत को हमें लाना है। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, और इस किसान के बेटे के चलते मैंने खुद अपने हाथ से हल भी चलाया है, बिचड़ा भी पारा है, और मैं खेत का पत्नी जो होता है वो काट के जो पत्तन होता है वो पत्तन भी सुखाया है, और धान की खेती भी की है। डॉक्टर साहब, आपसे बातों के दौरान आपने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो गांव से जुड़ी बातें हैं, बयार, बिचड़ी, पत्नी, ये सब सारी बातें जो शब्द जो हैं ये गांव में सुनने के लिए मिलता है, और इस चीज़ों को आपने अभी तक सजोया है, तो कहीं ना कहीं लगाव, जुड़ाव आपका गांव से दिखता है, लगता है, तो चुनाव जीतने के बाद या फिर चुनाव हारने के बाद क्या ये जुड़ाव ऐसा ही रहेगा? जुड़ाव तो है ही, मैं अभी भी, आप जाएंगे तो गाँव से कभी अलग नहीं हुआ, गांव से कभी अलग नहीं हुआ। आज भी हम लोग गांव में खेल कूद का प्रतियोगिता कराते हैं, हर तरह का करते हैं, और गांव तो हमारे दिल में है। हम लोग गांव के मिट्टी से 8th क्लास तक गांव में पढ़े हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, और गांव तो कभी भूला ही नहीं, और इसी तहत गांव का दर्द हमने महसूस किया, और एक बार ही उनके कहने से कि आप गाँव में काम करिए, तो मैं इसके लिए तैयार हो गया।
आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे, चुनाव नज़दीक आ गई है और जो है मतदान के दिन बहुत कम बचे हैं और आपको क्षेत्र भी जाना होगा वहाँ प्रचार के लिए, तो कम शब्दों में आपसे जवाब चाहेंगे कि अमरपुर विधानसभा की जनता आपको क्या सोचकर, क्या समझकर, किस मुद्दे को लेकर आपको जो है वोट करें? इसमें दो बातें हैं कि पहले तो बता दूं कि वो लोग त्रस्त आ चुके हैं। वर्तमान दो बार जो विधायक रह चुके हैं वो उन्होंने गद्दी अपनी राजतंत्र के तरह अपने बेटे को दे दी और ये राजतंत्र अब लोगों को बर्दाश्त नहीं है, उनसे उब चुके हैं। रहा दूसरी पार्टियां, उनका कोई सोच नहीं है, तो वो नई विचारधारा, नया उमंग चाहते हैं, नई क्रांति चाहते हैं और वो विकास चाहते हैं। मैं वहाँ की और कुछ समस्याओं को बताते हुए कि गुड़ के अलावा जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है वो है आठों दिशा आठों पहर, जल्दी उसका मैनिफेस्टो आएगा, आठों दिशा आठों पहर, और उसमें है कि वो पूरे बिहार प्रदेश को आठ विभिन्न पौराणिक क्षेत्र के हिसाब से बांटेंगे, अंग अंग मगध मिथिला, इस तरह से वो आठ क्षेत्रों को बांट रहे हैं और आठों क्षेत्र में आठ आठ तरह के उद्योग लगा रहे हैं और वो कृषि बेस्ड ज़्यादा उद्योग होंगे, फिर कंप्यूटर रिलेटेड भी होगा, कपड़े से रिलेटेड भी होगा, तो इस तरह से उनका उद्योग का प्लानिंग है। और मैं अपने स्तर से, मैं अगरबत्ती का प्रयोग, अगरबत्ती बनाने का जो बगल में बिहार में है, गया में है, वो अगरबत्ती का हब है, देश का 15% अगरबत्ती वहाँ बनता है और वो अगरबत्ती जब गया में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता है, बता हूँ। और एक एक घर में वो अगरबत्ती की मशीन जाए और लोग उसे 10 से 15 हज़ार एक मशीन पे कमा सकते हैं, खूब आराम से कमा सकते हैं। मैं जीतूं या नहीं जीतूं ये पब्लिक पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं जब अमरपुर को पकड़ा हूँ तो एक एक घर में रोजगार देने की मैं कोशिश करूँगा और रोजगार ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह से लोग पैदल 1,000 किलोमीटर से आए और हमारे सुशासन बाबू कहते थे कि इनको हम नहीं बुलाएंगे, ये यहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारा बिहार बर्बाद हो जाएगा। आपके बच्चे मजबूरी से गए थे बाहर कमाने, ना कि वो शौक से गए थे, आपके यहाँ रोजगार नहीं थी इसीलिए वो कमाने गए, वो भूखे मर रहे थे इसलिए बाहर गए और जब वहाँ आफत आई तो आप लेने से मना कर रहे थे। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा नहीं सुना और ये दर्द उन लोगों को अभी टीस मार रहा है, वो लोग जनता को ये समझ में आ रहा है कि ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और बहुत सारा मैनिफेस्टो में चीज़ है, मैं फिर कभी बताऊंगा मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल से, लेकिन मैं लगा रहूंगा एक किसान के बेटे की तरह और मेरे दिल में गांव बसता है और इसको मैं सदा के लिए बसाए रखूँ कि ऐसी पुरानी पार्टियों जो सिर्फ आपका दोहन करते हैं, ऐसे मणगिल्ले भात को अब हटाइए और नई क्रांति का आगाज करके बिहार को नई दिशा दें और एक विकास की अमर कहानी लिखें, यह आपके हाथ में है। जय हिंद, जय बिहार। बिल्कुल, और आप भी जो है अपने मतों का नज़दीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।